मित्रों, अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते और हार मान लेते हैं तो याद रखना, इसमें सारी आपकी ही गलती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि को शनि के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को शनि के राशि परिवर्तन का क्या परिणाम मिलेगा वर्ष 2023 में, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप शनि के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों को, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल हैं। शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और वो तीसरे भाव मकर राशि से निकलकर चौथे भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि का गोचर ये जो प्रारंभ होगा 17 जनवरी को, तो यहाँ पर अगर देखें तो चौथे भाव में शनि का गोचर होगा तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया शुरू होगी, लेकिन ये ढैया आपको बहुत ही बुरे परिणाम नहीं देने वाली है। और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशांतर दशा भी अच्छी है, तो ये ढैया आपको फिर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। चौथे भाव में गोचर है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में गोचर करेंगे शनिदेव, तो यहाँ पर आपको चौथा भाव है तो वाहन का सुख भी मिलेगा और आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके प्रॉपर्टी के कोई कारोबार हैं तो उनमें लाभ देखने को मिलेगा और प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा। सुख के भाव में गोचर है, घर परिवार का सुख भी आपको मिलने वाला है। ये ढैया आपको उतने बुरे परिणाम देने वाली नहीं है। अगर जन्म कुंडली में शनि की पोजिशन अच्छी है तो ये ढैया आपको शुभ परिणाम देने वाली है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजिशन अच्छी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर सामान्य परिणाम ही मिलेंगे या फिर कुछ संघर्ष भी देखने को अवश्य ही फिर मिल सकता है इस ढैया में वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ढैया कुछ मिले जुले से परिणाम देगी, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये जो ढैया रहेगी ये लगभग 2.5 वर्ष तक रहती है, तो यहाँ पर पूरा समय एक जैसा नहीं रहने वाला है, आपको मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव में शनि का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लाएगा। और आप अगर कोई शिक्षा में हैं, शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, या फिर शिक्षा का कोई व्यापार कारोबार है, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो उनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो वहाँ पर आप देखेंगे शत्रु इस समय पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई कर्जे वगैरह हैं तो इस समय पर आपके वो कर्जे उतरेंगे, आप प्रयास करें आपके कर्जे उतर सकते हैं। और कोई स्वास्थ्य समस्या भी चल रही है तो उसमें भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। और सप्तम दृष्टि जो उनकी रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी, तो व्यापार कारोबार और नौकरी जो भी आप करते हैं उसमें आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। शनि देव का गोचर चौथे भाव में आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में तरक्की दिखाएगा, आपको वहां पर लाभ भी देखने को मिल सकता है। आप चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, आप देखेंगे वहां पर आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, वेतन वृद्धि भी मिल सकती है, यानी कि आपको नौकरी में लाभ देखने को मिल सकता है, व्यापार कारोबार में लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे बहुत दिनों से, तो ये जो ढैया का समय होगा तो यहाँ पर आपको वाहन का सुख भी प्राप्त होगा और आप अपने घर परिवार में सुख प्राप्त करेंगे और मकान का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय पर अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। जो लोग अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, अपने नौकरी पेशा में नहीं हैं और अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। ये संघर्ष इस बात का रहेगा कि मेहनत आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर करने की ज़रूरत होगी। और जिनकी उम्र 40-45 वर्ष से ऊपर है तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे परिणाम ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है वाहन का सुख और घर परिवार का सुख और
और मकान का सुख ये सब प्राप्त हो सकते हैं और वो लोग व्यापार कारोबार नौकरी में भी उन्नति कर सकते हैं। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा ही करने की आवश्यकता होगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो दशम भाव में जो दृष्टि शनिदेव की होगी वो आपको अच्छे परिणाम दिखाएगी। और दशम दृष्टि की अगर बात करें शनिदेव की, तो वृश्चिक राशि पर ही रहेगी, आपकी राशि पर ही दशम दृष्टि रहेगी। और गुरुदेव जो हैं उनकी नवम दृष्टि भी यहाँ पर बनी रहेगी। और गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो 22 अप्रैल 2023 तक रहेगी और 22 अप्रैल 2023 से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा, छठे भाव में हो जाएगा। तो 22 अप्रैल 2023 तक जो गुरु की दृष्टि वहाँ पर होगी, आपको शिक्षा के साथ साथ जिनके प्रेम संबंध हैं और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि रहने वाली है। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव वहां पर आएंगे और गुरु की दृष्टि पहले ही आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है नवम दृष्टि। तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय होगा यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अच्छा समय होगा। यहाँ पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका को भी मना सकते हैं, घर परिवार को भी मना सकते हैं और आप बात कर सकते हैं अपने घर परिवार वालों से और आपको वहाँ से आपको हाँ मिल सकती है, यानी कि आपको यहाँ से देखेंगे आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदलने के लिए घर परिवार वाले और आपके साथी भी राजी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बेहतर समय रहने वाला है। शिक्षा में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने ही वाले हैं, संतान से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इस समय के बीच में संतान आपको कोई ना कोई खुशखबरी दे सकती है, अगर वो किसी नौकरी की तलाश में है या फिर वो कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर उनका मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कई सारे बदलाव भी आपके जीवन में आ सकते हैं। जो 17 जनवरी 2023 से और 22 अप्रैल 2023 तक का समय होगा, यहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव भी देखा जा सकता है। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपको बदलाव भी दिखा सकती है और प्रेम संबंधों के लिए तो ये समय अच्छा ही रहने वाला है। उनको तो आप विवाह संबंधों में बदलने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलने ही वाली है और यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और ये जो शनि का गोचर है, ढैया अवश्य ही शुरू होगी लेकिन ये आपको सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम दिखाएगा। इस ढैया का ज़्यादा प्रभाव आप पर खराब नहीं होने वाला है, लेकिन जन्म कुंडली में अगर शनि की पोजीशन खराब है तो वहाँ पर कुछ लोगों को संघर्ष देखने को अवश्य ही मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को इस शनि के राशि परिवर्तन के कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करते हैं, उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, पूरे वर्ष करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर कम से कम रोजाना ना कर सकें तो मंगल और शनिवार वाले दिन के लिए तो नियम ही बना लें कि मंगल और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ये आप घर पर भी कर सकते हैं कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप पूरे वर्ष करते रहें, आपको निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा और कोई समस्याएं भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये वृश्चिक राशि वालों का राशिफल शनि के राशि परिवर्तन का सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।